तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग अपने माइनक्राफ्ट में ढेर सारे, जी हाँ ढेर सारे और अनलिमिटेड आप लोग अपने लिए नेदराइट जो है एंशंट डेब्रीज अगर आप लोग डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आपको ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। आपको चार ब्लॉक का जो है एरिया बनाना है इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको 4x4 का जो है आपको एरिया बनाना है। तो आप 4x4 का एरिया बना लीजिएगा। बनने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है, आपको यहाँ से जो है ऑब्जर्वर रखने हैं। तो आपको इस तरफ आना है और पीछे से आपको इस तरह से ऑब्जर्वर कनेक्ट करने हैं। 4 ऑब्जर्वर आप कनेक्ट कर दीजिए। इनके यहाँ पे आपको रिपीटर लगा देना है, रिपीटर लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको आगे आना है और यहाँ से भी आपको 5 ऑब्जर्वर जो है इस तरह से कनेक्शन करना है। तो आप 5 ऑब्जर्वर इस तरह से कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पिस्टन रखनी है इस तरह से। आप पिस्टन रखिए, इसके आगे आपको इस तरह से स्लाइम ब्लॉक लगा देने। लगने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे स्टोन लेना है। स्टोन से आपको इसे पूरा कवर करना है। तो आपको इस तरह से जो है इसे पूरा का पूरा जो है आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको इसे पूरा कवर करना है। तो आप लोग देख सकते हो कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक लीवर लगाना है। तो लीवर के लिए हम यहाँ पे जो है इस तरह से एक पिस्टन लगा देंगे इस तरह से, और इसके आगे जो है हम लोग एक यहाँ पे एक ऑब्जर्वर इस तरह से पीछे से आपको एक ऑब्जर्वर कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पे एक पिस्टन आपको ऐसे लगा देना है। लगने के बाद यहाँ पे आपको लीवर कनेक्ट कर देना है इस तरह से। तो आप कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आपको इसे पूरा इस तरह से 2-2 ब्लॉक आप लोग कवर कर सकते हो। तो बस आपको इसी तरह से कवर करना है। आप लोग इस तरह से इसे पूरा का पूरा कवर कर लीजिएगा। कवर होने के बाद यहाँ पे आपको वाटर बकेट लेनी है, और वाटर बकेट को आपको यहाँ से आपको इस तरह से कवर करना है, और कॉर्नर में आपको वाटर बकेट जो है डालनी है। तो आप कॉर्नर में वाटर बकेट डाल दीजिए। 2-2 ब्लॉक दोबारा से आप इस तरह से कवर कर लीजिए। इस तरह से होने के बाद यहाँ पे आपको एक चेस लेनी है। चेस लगाने से पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे आप लोग एक चेस लगाइए, और चेस लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक चेस रख दीजिए सबसे पहले। तो उसके बाद इसके पीछे आपको जाना है, पीछे जाकर जो है इस तरह से आपको जो है अपना जो हॉपर है वो आपको कनेक्ट कर देना है। तो आप हॉपर इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इसे पूरी तरह इस तरह से आपको इसे कवर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से कवर कर लीजिएगा। कवर होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ आप लोग चेस ले लीजिए, यानी कि आपको चेयर जो होती है वो यहाँ पे ले लेनी है। यहाँ पे आपको चेयर लेनी है। चेयर को आपको यहाँ पे इस तरह से आप चाहो तो उल्टी कनेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आप कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह से आपको इसे पूरा कवर कर लेना है। कवर होने के बाद आप एक एक ब्लॉक और चाहो तो कवर कर सकते हो। अगर आप लोग लेना चाहते हो एक एक कवर तो आप लोग और ले सकते हो। तो आपको इस तरह से पूरा जो है इसे कवर कर लेना है। कवर होने के बाद आपको यहाँ पे अब नेदराइट के जो 4 ब्लॉक आपको चाहिए, जी हाँ आप यहाँ पे 4 ब्लॉक का यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक अब नेदराइट चाहिए। तो अब आपको ये मशीन एक्टिव करने से पहले अब आपको बस 4 एंशंट डेब्रीज चाहिए। ऊपर आपको आना है, इस तरह से ऊपर आ जाइए, और यहाँ पे आपको इस तरह ऊपर एंशंट डेब्रीज को लगा देना है। लगने के बाद अब आप नीचे आ जाइएगा। तो अब आपको इस मशीन को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए बस आपको इस बटन को फ्लिप करना है। जैसे ही बटन फ्लिप करोगे आपकी मशीन इस तरह से वर्क करेगी, एक साथ काम करनी चाहिए। मैं बता दूं
उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपके जो यहाँ पे डायमंड है यानी कि आपके जो एंशंट डेब्रीज है यानी कि वो यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, आप देख सकते हो। इसी तरह आप अपने लिए अनलिमिटेड एंशंट डेब्रीज डुप्लीकेट मशीन बना सकते हो, वो भी 1.18 के अपडेट में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।